हे गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, कौन नहीं चाहता कि एक गार्डनर तो ज़रूर ये चीज़ चाहेगा कि उसके गार्डन में फ्लावर्स भी हो, क्योंकि फ्लावर्स की कमी होती है तो गार्डन एक गार्डन कंप्लीट गार्डन नहीं लगता। तो कुछ होता है कि हमें कुछ सीज़न भी ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स कोई प्लांट्स किसी किसी सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं, किसी में नहीं करते। तो सिंपली उनमें ये लीव्स होती है, लीव्स तो रहती हैं, तो लीव्स तो का कोई वो नहीं है, लीव्स हर मौसम में ऐसे ही रहेंगी इन प्लांट्स की। तो आज हम ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिसके कि लीव्स ही ऐसे हैं कि हमें फ्लावर्स की भी कमी महसूस नहीं होगी अपने गार्डन में। अगर हम उन्हें गार्डन में ऐड करेंगे तो फूलों की तरह ही वो लगेंगे, आपको फूलों की कमी भी कभी फील नहीं होगी कि हमारे गार्डन में फूल नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कौन से वो प्लांट्स होते हैं कि जो जिनकी लीव्स इतनी प्यारी होती हैं, कलरफुल होती हैं कि हमें गार्डन में ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन लीव्स तो मोस्टली हर प्लांट की होती हैं, बट जो कलरफुल लीव्स होती हैं वो कुछ प्लांट्स ही होते हैं और उन्हें गार्डन में आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो एक गार्डन को अलग ही लुक देंगे हमारे गार्डन को। तो चलिए, हमारी लिस्ट में सबसे पहले जो प्लांट है वो है ये सबसे प्यारा कॉलियस। कॉलियस में देखिए इतने कलर्स आते हैं, ये देखिए एक ये है कितने प्यारे कलर का, और आपको लगता है कि अगर ये गार्डन में हो तो हमें फ्लावर्स की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो इनको गार्डन में अगर ऐड करोगे तो आपके फ्लावर्स की जो कमी है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें इतने ज़्यादा कलर्स आते हैं ना कि अभी जो मौसम भी है इसका, आप नर्सरी में जाइए तो आप देखेंगे वहाँ पर कितने सारे कलर के कॉलियस है। ये नहीं कि मेरे पास तो सिर्फ ये दो कलर है, बट मार्केट में नर्सरी में इतने ज़्यादा कलर आए हुए हैं, आप कोई भी कलर ऐड कीजिए और सारे कलर एक से एक बढ़ के हैं। आप मतलब जितने ले आइए आपको उतने ही कम लगेंगे। कॉलियस और ज़्यादा ऐड करना चाहिए गार्डन में, तो ये एक गार्डन को अलग ही लुक देती हैं। देखिए कितने प्यारे हैं, और कलर्स का देखिए कितने प्यारे कलर्स में वेरिएशंस है जो इनके लीव्स में। तो आपको बिल्कुल भी फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही इसकी जो लीव्स है ऐसे ही रहेंगे, इनका कलर कुछ नहीं होगा, कोई कलर ख़राब नहीं होगा। बस इसे सनलाइट में रखिए, इनको सनलाइट ज़रूर चाहिए क्योंकि इनके जो वेरिएशंस है वो सनलाइट से ही ऐसे रहेंगे जो कलर इसमें है, नहीं तो वो कलर्स थोड़ा डल होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ज़्यादा भी सनलाइट नहीं देना, कि अभी तो जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो आप दे सकते हो, बट समर्स में नहीं देना इनको पूरे दिन की धूप, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद हमारी जो लिस्ट में है वो है ये पर्पल हार्ट, बड़ा ही प्यारा सा, और इसमें तो फ्लावर्स भी आते हैं। देखिए इसमें पिंक कलर के फ्लावर इसकी जो ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो इसकी लीव्स का खुद ही कलर इतना प्यारा है, देखिए पर्पल कलर कितना प्यारा लगता है, और ग्रीन कलर के प्लांट्स में जब ये पड़े होते हैं तो और ज़्यादा इनकी ब्यूटी आती है। तो ये तो सबसे इजी है, इसको एक लीव से प्रोपागेट कर सकते हो, थोड़ी सी स्टेम लेके अभी भी आप कर सकते हो, इनको कटिंग से ही ग्रो कर सकते हैं। और अभी इसका जो मौसम है वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये पिंक कलर की देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें। और उसके बाद जो है वो प्लांट है स्पाइडर प्लांट। देखिए स्पाइडर प्लांट तो इतना प्यारा प्लांट है और इतना इजी टू ग्रो है कि इसकी लीव में एक वेरिएशंस होती हैं, ये खुद ही एक फ्लावर की तरह लगती है। देखिए कितना प्यारा लगता है ये प्लांट, और आप किसी भी ऐसे काट के बोतल में ही लगा लीजिए, आपको पॉट की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही इजी टू ग्रो है। और इसकी लीव्स में जो वेरिएशंस है इतने प्यारे लगते हैं, इसके पप्स जब निकल के नीचे जो इसके रनर्स निकलते हैं हैंग करते हैं, तो इसे आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में, अपनी गार्डन की ब्यूटी को और बढ़ाइए इससे। और उसके बाद है ये रोइयो प्लांट। देखिए रोइयो, रोइयो के जो कलर है पीछे पर्पल कलर है और आगे से ये ग्रीन, और ये जो अपने आप में एक फूल है, तो इसको ऐड करेंगे तो भी आपको कोई फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लीव्स ऐसे ही रहेंगे। और ये जो प्लांट है वो पूरा सीज़न ऐसे ही बना रहता है, सर्दी गर्मी फ्लावर्स भी करता है, अभी इसमें फ्लावर्स भी हो रहे हैं पर्पल हार्ट की तरह, जैसे पर्पल हार्ट है उसी की एक जो ट्रेडस कांटिया बोलते हैं, ये सारी इनकी वैरायटी होती है। तो इनके लीव्स अपने आप में ही एक इतने प्यारे हैं। आफ्टर दैट है हमारा ये बड़ा ही प्यारा अल्टरनेंथ्रा। देखिए इसमें एक नहीं तीन तीन कलर हैं, देखिए पिंकी सा, ऑरेंज,
ग्रीन येलो और इतने प्यारे हैं इसके लीव्स। और ये भी बड़ा इजी टू ग्रो है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही इसको अभी 10 to 15 days ही हुए हैं, मैंने इसकी कटिंग्स पहले पानी में ग्रो की थी, वो भी मैंने वीडियो शेयर की थी, वो भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो की थी मैंने एक, तो उसी कटिंग्स को मैंने पानी से ग्रो करके अभी ये सॉइल में कर दी है शिफ्ट। देखिए कितने अच्छी सी ग्रो हो रही है, बड़ा ही ईजी है ऐसे भी ग्रो करना। तो आप एल्टरनेंथ्रा के भी कई जो कलर्स आते हैं, बट मेरे पास एक ही कलर है, तो इनको भी आप गार्डन में ऐड कीजिए अपनी गार्डन की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। तो इसकी कटिंग्स अभी भी आप कर सकते हैं ग्रो, अगर आपके पास है या कहीं से कटिंग मिले तो इन्हें ग्रो कीजिए। और ये है डेविल्स बैकबोन, ज़िगज़ैग प्लांट भी बोलते हैं, पेंटीलेंथस भी बोलते हैं, इसकी भी देखिए, अरे जो लीव्स है उसकी इतनी ब्यूटी इतनी है कि इसको कोई इसको फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गार्डन में ऐड कीजिए, फ्लावर्स की कमी को ये जो प्लांट्स है आपकी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको वाटर में ही प्रोपगेट किया हुआ है, आप भी ऐसे ही सॉइल में करना है सॉइल में कीजिए, वाटर में करना है वाटर में कीजिए। इवन इसको मैंने पहले भी मैंने लगाया था, पूरा साल मैंने उसको पानी में ही रखा, तो कुछ नहीं होता इसके लिए, उसको बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं, तो मैंने वो भी वीडियो शेयर की हुई है कि पानी में कैसे ग्रो करना है। तो उसके बाद है ये हमारा वांडरिंग ज्यू, तो देखिए वांडरिंग ज्यू की अपनी एक ब्यूटी है, इसके भी कितनी ज़्यादा वैरायटीज आती है, तो इसको भी आप ऐड कीजिए। कितना इसमें लीव्स में ना जब धूप पड़ती है ना बड़ी शाइन करते हैं इसके दो जो लीव्स है, अलग ही इसमें एक शाइन सी आ जाती है। ये मैंने वाटर में ग्रो किया, देखिए ये वाटर में ही रखा हुआ है, कितना बड़ा हो गया। मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी बस, जस्ट इतनी इतनी, और ये मैंने सॉइल में किया है, एक बोतल सॉफ्ट ड्रिंक की है उसी की कट, उसको लेके कट करके, और मैंने ये हैंग की हुई थी एक इसमें ये जाली सी लगा के, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा अभी इसकी जो बुशी हो गई है ये। और उसके बाद फ्रेंड्स ये बड़ा ही प्यारा सा एलो, एलो की एक वैरायटी है, देखिए इसकी लीव्स इतनी प्यारी हैं, क्या ज़रूरत है इन्हें फूलों की। तो फ्लावर्स की कमी को ये डेफिनेटली कंप्लीट करते हैं मेरे गार्डन में, इसीलिए मैंने ये प्लांट्स में ज़रूर ऐड करती हूँ, जो भी मेरे को लगता है थोड़े डिफरेंट से है तो उनको गार्डन में मैं लेके आती हूँ। और ऐसे ही ये है सेंसिवेरिया, जिसे कि बर्ड्स नेस्ट भी बोलते हैं, या दवाफ वैरायटी, तो देखिए इसकी अपनी एक ब्यूटी है, फूल की तरह लग रहा है ये फ्लावर लग रहा है बिल्कुल, तो आपको क्या ज़रूरत है अभी फ्लावर नहीं भी है गार्डन में, तो ये आपके गार्डन की जो फ्लावर्स की कमी को पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप, और एक जो लास्ट मेरा प्लांट रह गया वो वाला है ये, इसे स्वीट पोटैटो वाइन बोलते हैं। देखिए इसकी मेरे पास 2 varieties है, कलर देखिए कितना प्यारा कलर है इनका, क्योंकि ग्रीन, वही बात है ग्रीन कलर तो हर प्लांट का ही होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। और ये स्वीट पोटैटो जो है पर्पल में, तो इसके तो लीव्स का कलर भी इतना प्यारा है, डिफरेंट है सबसे, देखिए कितना डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है इनके लीव्स का कलर। तो आप भी अपने ऐसे ही अपने गार्डन में लेके आइए न्यू प्लांट्स, जिनकी लीव्स का कलर ही ऐसा हो कि आपको फूलों की भी ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।